दंगल के बोल खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय हम देहरादून के गांधी पार्क में हैं और गांधी पार्क न सिर्फ सामाजिक ताने बाने को बुनता है बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है। हर वर्ग के लोग यहाँ होते हैं, प्रदेश से लेकर के अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। गुनगुनी धूप के साथ साथ बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है और इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों से हैं और यहाँ पर थे। हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं और लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में चल रही होंगी और इस समय जो माहौल है, हालात हैं, उसे देखते हुए क्या वो सोचते हैं, आप ही बताइए। आपसे शुरुआत करूंगी, लोकसभा चुनाव सामने हैं, क्या इशू लगता है आपको कि क्या मुद्दा इस बार सबसे ज्यादा होगा? मैम, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करता हूँ तो अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, तो जिस हिसाब से उन्होंने जो वर्क किया है पूरे 5 साल में, उस हिसाब से मेरे को ये लगता है कि वही दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो टेक्निकल क्षेत्र में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने जो विदेश के जो संबंध है काफ़ी हद तक, तकरीबन मैं आज की बात अगर मैं 206 देशों की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें तकरीबन आई थिंक 180 जो अप्रोक्सीमेटली जो कंट्री है वो सारी इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि काफी हद तक वो इंडिया को बहुत डेवलप कर, मोदी का काम बड़ा इशू बनेगा। जी बिल्कुल, मोदी का काम इतना इशू बनेगा कि वो आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने गुजरात में डेवलप किया था, और मैं आशा करता हूँ कि वो इंडिया को भी उसी प्रकार इंडिया को भी करेंगे। आप अपने साथी की बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैम, जरूर सहमत है, और हमें मतलब खुशी भी है कि मतलब रोजगार से संबंधित भी उन्होंने काफी युवाओं का साथ दिया है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जो कमिटमेंट था, जो वादा किया था, युवाओं को उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला है। मैम, रोजगार में तो भले ही गिरावट आई, लेकिन जिस हिसाब से उनकी पॉलिसी है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना मतलब मुकाम हासिल किया, मतलब भारत आज विश्व में जाना जाता है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा कि नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि जिस तरीके से मतलब वो काम करते जा रहे हैं, उन्हें एक और मौका देना चाहिए। एक मौका देना चाहिए। युवाओं की बात होती है, रोजगार की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे, क्या युवाओं को वास्तव में फायदा मिला और युवाओं को रोजगार का इशू 19 के चुनाव में भी रहेगा? जी बिल्कुल, ये जो बेरोजगारी का मुद्दा ही बिल्कुल रहेगा, लेकिन जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो नीतियां बनाई है, ये बहुत दूरगामी अच्छे परिणाम आएंगे इसके, तो हम आशा करते हैं कि दोबारा नरेंद्र मोदी जी आएंगे। लेकिन बहुत सारी कमियां हैं, कांग्रेस साफ कह रही है कि जो वादे किए थे अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन तो अभी तक आए नहीं है। मैम, मेरा नाम परमाल सिंह है। मैं बताना चाहता हूँ, जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं जिनका फायदा आम लोगों तक पहुँचा है, जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है और लोगों को ऑनलाइन सीधा ऊपर से गवर्नमेंट जो भी उनके अकाउंट में पैसे डालती है या योजनाएं जो भी चला रही है उनका आम आदमी तक सीधा असर जा रहा है। किसानों की बात करें तो जो अभी उनका अभी जो उन्हें पैसा मिलना शुरू हुआ है 6,000 पर ईयरली मिलना है, उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और जो जनरल कैटेगरी में जो पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उन लोगों को 10% वेट मिलने लगा है, तो उसका असर तो पड़ेगा। और देखिए, आप मान लिया हाईवेज जो हैं, लगभग हर नेशनल हाईवे पर काम लगा हुआ है, ये रहते कि मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट योजनाएं बनाती हैं उनका थोड़ा असर इस वजह से पड़ता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट उन्हें लागू नहीं कर पाती, क्योंकि उनके हित होते हैं और उनके हितों की वजह से वो देखते हैं कि बिल्कुल हित होते हैं। यहाँ पर सब लोग मोदी जी का बड़ा गुणगान गा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, क्या कहेंगे आप, क्या इशू होगा आपके लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा? और मुझे लगता है कि उत्तराखंड तो सैन्य बहुल प्रदेश है, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा रह सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा में हम रह सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है थोड़ी लेट करती है किसी भी डिसीजन लेने में, और जो मुद्दा है रह सकता है, मुद्दा रह सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सहमत हैं? जी मैम, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, और दूसरा मुद्दा यह है कि आजकल देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट में जो वैकेंसियां हैं वो जल्दी से नहीं आती है, और इसलिए संख्या कम मतलब बेरोजगार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रह सकता है, किसानों का मुद्दा रह सकता है? जी मैम, किसानों का मुद्दा, क्योंकि आप देखोगे उनको अभी भी MSP नहीं मिल रहा है, लेकिन जो विज्ञापन छप रहे उसमें MSP दिखाया जा रहा है। आप कहीं भी राज्य में चले जाओगे कुछ भी टाइम से नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, कहीं भी जाओगे, तो इसलिए किसान और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा रहेगा इस बार भी। लेकिन जिस हिसाब से हम देख रहे फिर से क्या बोलते हैं इलेक्शन में, वो हो सकता है मतलब
जाति आधार पर फिर से इलेक्शन जाएगी। वो हमेशा एक जाति फैक्टर होता है, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? जैसे मैम हमारे मित्र जी ने बोला कि जो है कि हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, कोई खाद वगैरह नहीं मिल पा रही है। हम कहते हैं कि किसानों को खाद वगैरह क्यों नहीं मिले, क्योंकि पहले जय जवान फिर जय किसान आता है। तो हमारा हमारा जो संविधान है, हमारा भारत देश है, उनको इन दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे इन मित्रों ने बोला कि हमारे यहाँ भारत में रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? ये जो बेरोजगार की बात करते हैं ये कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं, जो विपक्ष पार्टी है। हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे तो रोजगार भी आपके तरफ एक कदम बढ़ाएगा। प्यासा कुआं आपके पास नहीं है, आपको वहाँ खुद जाना पड़ेगा। और इसकी बात हुई, और रही बात अभी हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भी, जो हमारे पुलवामा में जो अभी ये हुआ है, इसको अगर देखते हुए हम कहें तो हमारे जो मोदी जी हैं, जितना उन्होंने अभी तक किया है 70 सालों में, ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो जिनने जो है कि ऐसा कुछ किया होगा। तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़े प्रशंसक नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे इशू हुए हैं। 2014 के चुनाव में उत्तराखंड से तो 5 सीटें बीजेपी को दी गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पर सबको यकीन था। क्या इस बार ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें मोदी थोड़े सी कमजोर नजर आएंगे? इस बार मैम उसका ही रहेगा कि बेरोजगारी है और धारा 370 खत्म होनी चाहिए कश्मीर से। तो मोदी को सपोर्ट करेंगे, धारा 370 खत्म हो जाए तो। कश्मीर इशू, इस समय सब लोग कश्मीर इशू पर बड़ी बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि गांधी पार्क में न जाने कितने कैंडल मार्च निकल गए, कितने लोग यहां पर आ गए। क्या ये एक बड़ा इशू है? बहुत बड़ा इशू है मैम, और मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव है इसी का परिणाम होगा। अगर मोदी जी को आगे आना है, देश के लिए कुछ करना है, उनके पास मौका है 370 हटाने का। जैसे ही अगर 370 अगर हटती है तब जाके मोदी जी इस बार जीत सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना तो कोई रोजगार मिला है आम जनता के लिए, काम जो उन्होंने किया है वो दुर्गामी काम हुए हैं। अभी धरातल में कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बेरोजगार लोग ज़्यादा बेरोजगार होते रहे हैं। छोटी मोटी जो कंपनियाँ, जो लोग छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए थे, सब घर बैठ गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी गलत है या पार्टी, पार्टी कोई भी गलत नहीं होती है, पार्टी जो है सब सही है, मोदी जी सबसे सही बंदे हैं। लेकिन ये है जो उनके पास अभी बहुमत है वो कर सकते हैं, 370 को हटा सकते हैं। अगर 370 हटा तभी जाके सामान्य स्थिति बन सकती है और दोबारे सीट ला सकते हैं, नहीं तो हम तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर 370 नहीं हटाए जाते। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जवान मारे जा रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ होता जा रहा है, लेकिन उस पर कोई सही ढंग से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किस चीज़ की राजनीति है? ये राजनीति करते रहेंगे, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में बोलते रहेंगे, जवान मरते जा रहे हैं इनके लिए कोई रिजल्ट नहीं है, किसान मरते जा रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं है, होगा क्या, होगा कैसे होगा। ये तो जो अभी बोला है 6,000 रुपये किसानों के इसमें रखा जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो मैम जो आप कह रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपये सालाना, उसके अलावा जैसे इनकम टैक्स में भी एक स्लैब में बहुत अच्छी छूट दी है, और बहुत सारी कोशिशें की हैं श्रमिकों के लिए, क्या इसका फायदा मिलेगा? जो लोक लुभावन बजट आया था उसका इलेक्शन में फायदा मिलेगा? मैम ये कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता, प्रॉब्लम ये है, ये केवल कागज में ही रह पाता। आप कोई भी योजना देखेंगे इससे पहले की, लेकिन जो योजना आयुष्मान भारत आई है वो ठीक है, मतलब वो इम्प्लीमेंट हुई है, काफ़ी लोग अभी बेनिफिशियरी हुए हैं उससे। और जैसा भैया ने कहा कि धारा 370 और 35A को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर तभी लोग मौका देंगे। क्योंकि इसी उम्मीद के साथ जब कश्मीर में आए थे उनको अच्छी खासी सीटें मिली थी, 27 सीटें मिली थी, जो कि PDP के बाद दूसरे नंबर पर। और यदि धारा 370 और 35A नहीं हटाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा वापस आना। बिल्कुल टफ हो जाएगा वापस आना। क्या जिस तरीके से उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, हर घर में कोई ना कोई या तो फौज में है या पैरामिलिट्री फौज में है, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा क्या इस बार का लोकसभा चुनाव का बड़ा इशू होगा? जी मैम, बहुत बड़ा इशू होगा ये लोकसभा चुनाव का, क्योंकि जो राष्ट्र हमारी सुरक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए, ताकि हमारे फौजियों को इसका सपोर्ट मिले। और इसमें पूरी कंट्री का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो बहुत सारे अटैक करा भारत पे, क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इसमें सारी राजनीति होती है। आप लोगों का होता है कि आप लोग भी फौज का हिस्सा बने? जी मैम, हमारा मन करता है कि हम भी फौज के लिए वो जाए। एक बार हमें मौका दिया जाए मैम, हम तो बिना फौज के बिना उसके चाहते हैं कि जो गद्दार है उसको सीधे गोली मारो, अपना भी बंदा है अपने घर में। ये जो भी चीजें हो रही है, कोई भी देश बुरा नहीं होता है, ना कोई पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, जो भी गद्दार मिलता है उसको सीधे गोली मारी जाए, तभी जाके सुधार हो सकता है। बिल्कुल, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा और क्या इशू हो सकते हैं? युवाओं की बात आपने की, कहा कि किसानों का इशू हो सकता है, क्या महिलाओं की सुरक्षा, और जिस तरीके से 3 तलाक का मसला था, क्योंकि वो अभी तक कह सकते हैं कि दोनों सदनों से पास नहीं हो पाया, अभी लटका पड़ा है, हालांकि अध्यादेश की बात हो रही है, क्या वो भी एक बड़ा इशू हो सकता है?
मैम, तीन तलाक का जो मुद्दा है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। वैसे देखा जाए तो महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है जिसमें रेप्स वगैरह भी होते हैं, और इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गई है आज के टाइम में। और जो तीन तलाक का मुद्दा है उसे सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम आज तक देखते हैं कि ये जो मतलब तीन तलाक का मुद्दा है उसमें महिलाओं को के जी हमने बोल दिया। महिलाओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा था जो 2014 के इलेक्शन में था, वो था काला धन। नोटबंदी भी काले धन पर एक किस्म से सिकंजा कसने की भी कोशिश की, यह केंद्र सरकार बार बार कहती है। क्या इस बार के इलेक्शन में काला धन बड़ा इशू होगा? जी मैम, अगर मैं देखा जाऊँ ये काला धन की अगर बात करता हूँ तो बीच में जो मोनेटाइजेशन जो हुआ था वो बेसिकली उन लोगों के लिए हुआ था जिन्होंने मतलब काफ़ी टाइम पहले से मतलब धन जमा करके घर में रखा हुआ था या बैंकों में, जो बेचारे मतलब जो गरीब लोग थे वो ऐसे ही मर रहे थे। बड़े बड़े लोगों ने अपना जो पैसा है बैंकों में या कोई इनकम टैक्स में छापा नहीं मारता, मतलब कोई टैक्स नहीं दे रहा था, करोड़ों का रुपया था लेकिन वो टैक्स नहीं दे पा रहे, तो इससे क्या देश का जो नुकसान है? सरकार क्या करती है, देश अगर पैसों में कुछ कमी आती है मतलब वो तो क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है, लेकिन जिसके पास एक्चुअल में जो मनी है वहाँ का टैक्स नहीं हो पा रहा है, ये मतलब कुछ और करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, इसमें कुछ और करना पड़ेगा जी, इसमें बिल्कुल सब लोग नाराज है कि जो विदेश का काला धन है वापस नहीं लाया। हाँ ये अच्छी बात है कि यहाँ से बाहर नहीं गया है, लेकिन वापस लाना जरूर पड़ेगा। काला धन बड़ा इशू होगा? बहुत बड़ा इशू होगा मैम, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो लोग जो पैसे वाले थे और पैसे वाले होते गए, लेकिन जो गरीब लोग हो तो बेचारे ऐसे ही मर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी यही मानते हैं? नहीं मैम, क्योंकि काला धन है जो दोनों पार्टी के लीडर्स का, अब दोनों को ये पता चल गया कि काला धन हम वापस तो नहीं ले आएंगे, इसलिए इस बार शायद ये इशू नहीं होगा। क्योंकि आप देख सकते क्योंकि कोई भी हर पार्टी में जो नेता है सारा उनका फंड। बिल्कुल, आपको लगता है कि दोनों पार्टियों की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिली भगत है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। उत्तराखंड सीमांत इलाका है, विकास की दरकार यहाँ हमेशा रहती है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जरूर यहाँ पर आई हैं कि ऑल वेदर रोड बन रही है, रेल यहाँ पे है, सीमांत इलाके में विकास हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए सबसे बड़ा इशू क्या होगा? मैम, उत्तराखंड वासियों के लिए तो लगभग हो ही रहा है थोड़ा बहुत विकास, जितना होना चाहिए था केंद्र से जितना भी योजनाएं लागू हो रही है थोड़ा बहुत हो ही रहा है, बाकी फिर मोदी जी को एक और मौका मिले तो शायद कुछ और हो। मैम विकास की बात तो की है फिलहाल, लेकिन विकास तो तब कहा जाएगा ना कि सब प्रत्येक नागरिक लोग उसका बेनिफिट मिले, लेकिन अभी तक वैसा तो कुछ हुआ नहीं। उत्तराखंड में विकास ही बड़ा इशू होगा? जी मैम, विकास बहुत बड़ा इशू होगा, और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड में, तो इसलिए बेरोजगारी। विकास के साथ साथ पलायन भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जो पहाड़ी युवा हैं वो पलायन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र लगभग खाली होता जा रहा है। मोदी जी ने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगी, क्या वो कमिटमेंट पूरा हुआ? मैम उसके बारे में तो नहीं बोलूंगा, मगर इनके जैसे बोला ना कि हमारे देश का विकास नहीं पाया, अबे तुम अपने घर का कूड़ा तो संभाल नहीं सकते हो, बात करते हो विकास की। बिल्कुल, वो स्वच्छ भारत अभियान में कितना सहयोग मिल पाया? मैम अभी तक कोई सहयोग नहीं, ज्यादा सहयोग नहीं मिला, क्योंकि लोग ना कूड़ा कर जहाँ हम बैठे वहाँ कूड़ा करते हैं, कुछ भी खाते तो कूड़ा वहीं फेंक देते हैं। उत्तराखंड वासी विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को इशू बना के वोट देंगे? बिल्कुल, आप बताइए। मैम हाँ जी मैम, राष्ट्रीय सुरक्षा उससे वोट देंगे मैम। बिल्कुल, आप लोग अभी आए हैं, ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़ा इशू रह सकता है? उत्तराखंड से मैम एजुकेशन सबसे ज्यादा बड़ा इशू होना चाहिए। प्लायन काफी बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप देखोगे जब हम 4-5 साल पहले गांव में रहते थे, मेरे गांव में लगभग 15-20 मकान है, तो हर घर में 6-7 लोग गांव में रहते थे और बड़ी अच्छी रौनक होती थी, हम सब खेलते थे, और आज प्रत्येक घर में 2 व्यक्ति है क्योंकि रोजगारी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये गांधी पार्क का इलाका है, बहुत सारे लोग अलग अलग ग्रुप में अब भी अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ पर कोई आता है कोई जाता है, और आप कह सकते हैं कि ये इस शहर का मीटिंग पॉइंट है, और प्रदेश के किसी भी कोने से लोग यहाँ आए वो यहाँ पर आकर चर्चा परिचर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी लोगों से बात की अपने खास कार्यक्रम दंगल के बोल में, सबका मानना था कि कुछ काम तो हुआ है लेकिन कुछ कसक अभी बाकी है, और कुछ ऐसे इशू होंगे जो अब के चुनाव में सबसे ज़्यादा हावी होंगे, उसमें विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है और यहाँ हर घर का कोई ना कोई व्यक्ति देश की सेवा में इस समय तत्पर है, तो कह सकते हैं कि मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है।